हेलो गाइस, वेलकम टू आयांस किचन। गाइस, आज हम आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं वेज चाउमीन की रेसिपी। वेज चाउमीन बनाना बहुत ही सिंपल है, बहुत कम समय में बन जाता है। तो चलिए आज की मजेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। वेज चाउमीन बनाने के लिए हमें एक बर्तन में पानी गर्म करना है। यहाँ पे 4 से 5 गिलास पानी लेना है, क्योंकि पानी हमें ज्यादा गर्म करना है। तो पानी को हम हाई फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख देंगे और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून ऑयल। नमक ऑयल डालने के बाद हम पानी में एक अच्छा सा उबाल आने देंगे। तो पहले इसमें एक उबाल आ जाए, उसके बाद हम इसमें नूडल्स ऐड करेंगे। पानी में अच्छा सा उबाल आ गया है। अब मैंने यहाँ पे लिया है नूडल्स, हम इसमें सारे नूडल्स को डाल देंगे। नूडल्स को बस हमें आधे मिनट के लिए पकाना है, यानी कि 30 सेकंड के लिए। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा इसे चला देंगे, उसके बाद हम इसे हाई फ्लेम पे आधे मिनट के लिए पका लेंगे और उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए आधा मिनट हो गया है, हम गैस को बंद कर दिए हैं और उसके बाद हम इसे ढक देंगे। ढक के हम इसे 3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और 3 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे। तीन मिनट हो गए हैं, अब हम प्लेट को हटाएंगे और नूडल्स को चेक करेंगे। तो नूडल्स अच्छे से कुक हो गए हैं। अब हम एक कोई जाली वाला बर्तन लेंगे और इसमें नूडल्स का पानी हम बाहर निकाल देंगे, यानी कि हम इसमें नूडल्स को रखेंगे और इसे हम ठंडे पानी से वॉश करेंगे। अगर नूडल्स गर्म पानी में रहेंगे तो एकदम ही कुक हो जाएंगे, यानी कि एकदम गलने जैसा हो जाएगा। तो इसे हमें ठंडे पानी से वॉश कर लेना है, जिससे कि जो इसका कुकिंग है वो अभी रुक जाए। ये देखिए इसी तरीके से वॉश कर लेना है, हमने इसे वॉश कर लिया है। तो इसे अब हम एक साइड में रख देंगे, आप चाहे तो पंखे के नीचे इसे किसी प्लेट में फैला के रख दें। और यहाँ पे मैंने कुछ वेजिटेबल ले लिए हैं, जिसे इस तरीके से कट कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने कैबेज को इस तरीके से कट कर लिया है, पतले पतले लंबाई वाले शेप में, और कुछ गाजर को मैंने इस तरीके से कट किया है लंबाई वाले शेप में, और प्याज, और यहाँ पे मैंने लिया है शिमला मिर्च, इसे भी लंबाई में कट किया है। आपके पास हो तो आप स्प्रिंग ऑनियन भी ले सकते हैं, मेरे पास अभी नहीं था तो मैंने नहीं लिया है। यहाँ पे हमने 2 इंच अदरक को बारीक चॉप्ड किया है, अदरक थोड़ा ज्यादा लेना है। और यहाँ पे लहसुन को भी मैंने बारीक चॉप्ड किया है, लहसुन अदरक थोड़ा ज्यादा लेना है। यहाँ पे मैंने 5 हरी मिर्च को इस तरीके से लंबाई में कट किया है। अब हम एक पैन चढ़ा देंगे गर्म होने को। जब पैन गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ऑयल डालेंगे। तो यहाँ पे मैं 5 से 6 टीस्पून ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल डालने के बाद हम इसे अच्छे से गर्म होने देंगे और हम थोड़ा सा ऑयल को कढ़ाई में अच्छे से फैला लेंगे, जिससे नूडल्स जो है चिपकेंगे नहीं। तो थोड़ा सा फैला लेना है और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम सभी चीजें इसमें बारी बारी से डाल देंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम यहाँ पे डालेंगे सबसे पहले अदरक, फिर लहसुन और फिर हरी मिर्च। सभी चीजों को डालने के बाद हम इसे अच्छे से चला लेंगे और गैस का फ्लेम हमें हाई रखना है, लो या मीडियम बिल्कुल नहीं करना। उसके बाद हम इसमें गाजर डालेंगे। गाजर डालने के बाद भी हम इसे थोड़ा सा चला के कुक करेंगे। हमें सभी चीजों को अच्छे से कुक नहीं करना है, बस इसका कच्चापन निकालना है और हाई फ्लेम पे इसे टॉस करना है, जिससे सब्जी में क्रंचीनेस बना रहे। अब हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च, यानी कि कैप्सिकम, और उसके बाद हम प्याज डाल देंगे। अब हम इसे फिर से अच्छे से मिक्स करते हुए थोड़ा सा टॉस करेंगे। प्याज और शिमला मिर्च को भी हमने थोड़ा सा फ्राई कर लिया है, यानी कि उसका कच्चापन निकल गया है। अब हम इसमें डालेंगे कैबेज। कैबेज हम पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा बचा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा कैबेज को डाल दिया है और इसे भी डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इस तरीके से कर लेना है। सभी चीजें थोड़े थोड़े फ्राई हो गए हैं, यानी जितना हमें चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे नमक, नमक स्वाद अनुसार, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे चिली सॉस। ग्रीन चिली सॉस हम यहाँ पे डाल रहे हैं,
तो 2 से 3 चम्मच हमें ग्रीन चिली सॉस डाल देना है। तीखा आपको जितना पसंद हो उस अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, थोड़ा सा कम ज़्यादा। यहाँ पे मैंने 3 चम्मच ग्रीन चिली सॉस डाला है। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे 2 से 3 चम्मच सोया सॉस। सोया सॉस डालने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे 1 चम्मच विनेगर, प्लेन विनेगर का मैंने यूज किया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1 चम्मच हम यहाँ पे डालेंगे टोमेटो केचप। सभी चीज़ें डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर हम इसे कुक करेंगे, जिससे सारे सॉसेस आपस में मिलजुल जाएं और अच्छे से थोड़ा सा कुक हो जाएं। तो लो फ्लेम पे हम सॉसेस को पकाएंगे। तो इस तरीके से इसे थोड़ा सा हमें पका लेना है। सारे सॉसेस अच्छे से मिलजुल गए हैं और कुक हो गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे हमारा उबला हुआ नूडल्स। तो सारे नूडल्स को हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नूडल्स डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप जैसे भी इसे मिक्स करना चाहें उस तरीके से कर लीजिएगा, स्पून से या फिर स्पैचुला से। तो इस तरीके से हम कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे मिक्स कर लिया है अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे बचा हुआ हमारा कैबेज, तो इस पर डाल देंगे और उसके बाद हम इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करते हुए हम थोड़ी देर और टॉस करेंगे हाई फ्लेम पे, जिससे नूडल्स और मसाले आपस में अच्छे से मिलजुल जाए और मसालों का अच्छा सा कोटिंग हो जाए। इस तरीके से हम इसे कर लेंगे। तो ये देखिए गाइस, हमारा जो वेज चाउमीन है वो बन के रेडी है। हमें इसे बनाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, बस सब्जियाँ काटने में ही समय लगती है। तो सारी चीज़ें हमें पहले से ही प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा बना है। आप भी इस वेज चाउमीन की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आप सभी को बेहद पसंद आएगा। रेसिपी ट्राई करने के बाद आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।